एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कमेंट इज द नोन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट हेल्प टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको साइड वाइज जो है वो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज नोन एज कमेंट्स। ये जो कमेंट्स होते हैं हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट्स एंड द मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद द डबल स्लैश सिंबल। जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, डबल लाइन के साथ जो है वो स्टार्ट हम इसको करते हैं, एंड टर्मिनेशन एट द एंड ऑफ द करंट लाइन। तो करंट लाइन के साथ वहाँ पे उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसमें शो किया गया है डबल लाइन यहाँ पे लिखाई लगाई गई है, और आगे देखिए यहाँ पे कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स लिखा है। तो यहाँ से स्टेटमेंट से पता चलता है प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे, सम की जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो साथ में हमने स्लैश लगा के इस तरह से डबल कोट डबल लाइन के साथ जो है डबल स्लैश सिंबल के साथ हमने क्या लिखा, कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ से हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं टू नंबर का सम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है सिंगल लाइन कमेंट्स जिसको आप डबल लाइन के साथ लिखते हैं, और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। ठीक है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो है वो क्या है आपके पास, तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स बिगेन विद द जो आस्टिक साइंस होता है उसके साथ आप इसको स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार और जो है स्लैश का साइन जो है वो यूज़ करना है इसमें, और एंड भी आपने उसी के साथ करना है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले आप ओब्लिक जैसे साइन जो है वो स्लैश का लगाएंगे, फिर साथ में स्टार जो है वो लगाएंगे, और जब एंड करेंगे तो स्टार का साइन आप पहले लगाएंगे फिर आप स्लैश का साइन लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें जैसे लिखा है हमने कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स, तो इसमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स हैं, टू लाइंस में, एक में हमने कैलकुलेट लिखा है, फिर नेक्स्ट में सम ऑफ टू नंबर्स है, तो उसको किस तरह से क्लोज किया गया है। तो ये है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन्स में जो है वो डबल स्लैश हम यूज़ करते हैं, मल्टीपल लाइन के अंदर आप स्टार के साथ सिंगल स्लैश जो है वो यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट आल्सो रिकॉग्नाइज एचटीएमएल कमेंट ऑपरेटिंग सीक्वेंस। जावास्क्रिप्ट ट्रीट्स दिस एज द सिंगल लाइन कमेंट जस्ट एज इट डज द डबल स्लैश कमेंट्स। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कहता है आल्सो रिकॉग्नाइज द एचटीएमएल कमेंट जो है ओपनिंग सीक्वेंस, जैसे ओपन टैग होता है उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे ही इसमें भी आपके अंदर जो है वो जावा के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डबल स्लैश लगा के हम इसको यूज़ करते हैं। और एचटीएमएल कमेंट क्लोजिंग सीक्वेंस क्या है, स्टार्टिंग आपको पता है कि इस तरह से जो है ग्रेटर देन का साइन और इस साइड को फिर लेस देन, इस तरफ को आप ओपन वाली साइड जो है और क्लोजिंग साइड जो है दूसरी साइड आप रखते हैं, तो क्लोज कैसे करते हैं उसमें जैसे एचटीएमएल के अंदर है भाई जावास्क्रिप्ट, सो इट शुड बी रिटन एज डबल स्लैश एंडिंग टैग के साथ भी आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर जैसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं सेम वैसे ही आप इसमें भी डबल स्लैश के साथ जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंगल स्लैश के साथ भी, डबल के साथ भी, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग एचटीएमएल के अंदर है। तो ये हैं आपके सिंगल एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। तो कंप्लीट क्वेश्चन आपको आता है इस पे ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आपके पास सिंबल्स हैं दैट ऑपरेट ऑन वन और मोर एक्सप्रेशंस। ठीक है, वन और मोर एक्सप्रेशंस के ऊपर जो है अप्लाई किए जाते हैं, प्रोड्यूसिंग द वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल। ओके, जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन की गई है उस वैल्यू को वो प्रोड्यूस करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो हमें देते हैं। द वैल्यू टू विच द ऑपरेटर इज अप्लाइड टू कॉल्ड ऑपरेंड। जिस पे वैल्यू अप्लाई वो मतलब ऑपरेटर आपका होगा, जैसे मान लो 2+2 है, तो इसमें ऑपरेटर क्या है, प्लस जो है आपका ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे आप यूज़ करते हैं, तो प्लस आपका ऑपरेटर हुआ, और 2 और 3 क्या हुए आपके पास, ये ऑपरेंड्स हुए। ओके, तो ये आपके पास ओपेरेंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या ओपेरेंट्स होंगे, और जो जिसके साथ आप कंकैटिनेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, वो प्लस का साइन जो है वो आपके पास क्या है, वो ऑपरेटर होगा। सम ऑपरेटर ऑपरेट ऑन द सिंगल ओपेरेंट एंड दे आर कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर जो है वो सिंगल ऑपरेंट के ऊपर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। और सम ऑपरेटर जो है आर इंडिकेटेड बिफोर ओपेरेंट एंड दे आर कॉल्ड द प्रीफिक्स ऑपरेटर। जो है वो ऑपरेंट से पहले उनको हम कुछ ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, तो एज अ नेम प्री मतलब पहले यूज़ कर रहे हैं तो प्रीफिक्स ऑपरेटर बोलेंगे। अगर सिंगल ऑपरेंट पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम
जो यूनरी ऑपरेटर है वो हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस हैं। और अगर आप ऑपरेंड के बाद यूज़ करते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको जो है वो आप उसको जो है नेक्स्ट जो उसको पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हम बोलेंगे, क्योंकि ऑपरेंड के बाद आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हैं। जैसे एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी है, प्लस प्लस एक्स लिखा और एक्स प्लस प्लस, तो ऑपरेंड से पहले प्लस प्लस लिखा है तो मीन्स ऑपरेटर हम पहले यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका प्रीफिक्स ऑपरेटर। एंड आफ्टर द ऑपरेंड प्लस साइन आप यूज़ कर रहे हैं देन इट इज़ नोन एज पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। क्लियर? यूज़ यूनरी प्रीफिक्स एंड द यूनरी पोस्ट फिक्स, तो सिंगल ही यहाँ पे जैसे यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसलिए यूनरी प्रीफिक्स एंड यूनरी पोस्ट फिक्स है, एक ही ऑपरेंड है यहाँ पे, इसलिए यूनरी बोलेंगे इसको। और मोस्ट ऑपरेटर आर एम्बेडेड बिटवीन द टू ऑपरेंड, ज़्यादातर जो ऑपरेटर हमने देखा है ये मैक्सिमम जो है वो टू ऑपरेंड्स के बीच में एम्बेडेड होते हैं। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली टू ऑपरेंड चाहिए, डिवीजन है तो भी टू चाहिए हमें, ठीक है। इसी तरह से आपकी वो है समीशन करेंगे एंड सब्सट्रैक्शन है, तो सबके अंदर जो है आपको टू टू ऑपरेंड जो है वो नेसेसरी हैं। तो इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर आते हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन सेकेंड वन इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर, देन कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड नेक्स्ट वन इज़ द कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, एंड लास्ट वन इज़ द स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये आपके पास सिक्स टाइप के ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरिजन, लॉजिकल, कंडीशनल एंड स्पेशल ऑपरेटर। अकॉर्डिंग टू द नेम, इज द नेम इंडिकेट अर्थमेटिक ऑपरेटर, मीन्स जो अर्थमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं दैट ऑपरेटर नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर। सिंपलेस्ट हैं ये एंड बेसिक ऑपरेटर्स हैं दैट डू द अर्थमेटिक ऑपरेशन, ओके। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर दोज दैट आर यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर रिक्वायर द टू वेरिएबल आर कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर्स, इसलिए इनको बाइनरी भी बोलते हैं क्योंकि टू ऑपरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एडिशन है, ऑपरेटर है आपके पास प्लस का, इसका मतलब क्या एडिशन। एग्जांपल आपके पास है एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव, ठीक है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, रिजल्ट आपके पास वाई इज इक्वल टू थ्री, और रिजल्ट इन वाई के अंदर वाई इज इक्वल टू थ्री आएगा, और एक्स इज इक्वल टू अगर एट है आपके पास तो वाई में रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री, ठीक है। एट में से फाइव माइनस किया हमने तो थ्री आ गया हमारे पास, और फाइव प्लस थ्री करेंगे तो एट आ जाएगा, वो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से ये ऑपरेटर हैं आपके एडिशनल ऑपरेटर। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन माइनस जो है वो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोला जाता है। मल्टीप्लाई को जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं सेम वैसे ही हैं ये ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर हैं। फिर आपके पास डिवीजन ऑपरेटर है, मॉडुलस है, डिवीजन रिमाइंडर जो है इसको मॉडुलस से साइन को परसेंटेज के साइन जैसा, जैसे मॉडुलस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। प्लस प्लस अगर हम लिखते हैं तो उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, अगर आप माइनस माइनस लिखेंगे तो ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, मीन्स कुछ डिक्रीज कर रहे हैं आप इसमें, ठीक है, तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। और अगर प्लस प्लस का साइन है तो ये इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये आपके पास कुछ ऑपरेटर्स थे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। इसी तरह से आपके पास जो है जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, सेकंड जो है आपके पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल, जैसे ए इज इक्वल टू फाइव, तो इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू हमने ए को असाइन किया, फाइव, तो इज इक्वल टू के साइन से हमें पता चलता है कि इसको फाइव वैल्यू असाइन हो रही है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है दैट हेल्प टू असाइन द वैल्यू टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, ओके। जो पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये इज इक्वल टू का आपके पास क्या है साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इज इक्वल टू फाइव मीन्स ए की वैल्यू कितनी है, फाइव, बी की वैल्यू कितनी है, सेवन, वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू सेवन, इट मीन एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू सेवन है, इनकी वैल्यू कितनी है, सेवन। तो इज इक्वल टू का साइन जो है ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। और भी हमारे पास जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके पास हैं। इज इक्वल टू है असाइन द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू को असाइन करता है। प्लस और इज इक्वल टू असाइन इकट्ठे हों तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड एंड असाइन बैक टू द वेरिएबल इन द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई,
ठीक है, तो ये आपके पास ये जो ऑपरेटर हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे भी ये प्लस करके वैल्यू को असाइन कर रहा है वाई के अंदर, जो है एक्स के अंदर वैल्यू, उसके वाई को प्लस भी करेगा और इज इक्वल टू करके उसको असाइन भी करेगा। इसी तरह से आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी इसको यूज़ करते हैं, माइनस इज इक्वल टू है वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल जो है वो विल बी सब्सट्रैक्ट होगा कहाँ से, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लाइफ लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, जो आपका राइट हैंड साइड का वेरिएबल है, जो उसकी वैल्यू है वो आपकी माइनस होगी, सब्सट्रैक्ट करेंगे उसको कहाँ से, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, एंड असाइन इट बैक टू द वेरिएबल इन द, जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है उसी को फिर आपने दोबारा से उस वैल्यू को असाइन करना है। देन मल्टीप्लीकेशन एंड इज इक्वल टू का साइन इकट्ठा हो तो इसमें वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल जो है आपके पास यहाँ पे विल बी मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है वैल्यू जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल की वो क्या करनी है हमने, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बाई द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड असाइन इट बैक टू द वेरिएबल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपल सभी में ऐसे है कि लेफ्ट हैंड साइड के जो वेरिएबल हैं उसको आपने क्या करना, अगर ऐड है तो राइट हैंड साइड के वेरिएबल के साथ क्या करना है, उसको उस वैल्यू को ऐड कर देना है। अगर माइनस आएगा तो राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल है उसको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल से। अगर मल्टीप्लाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है विल बी मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको किसके साथ, बाय द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड एंड असाइन बैक टू द वेरिएबल इन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सेम एज दैट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन, डिवीजन इज ऑल्सो ए वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल विल बी डिवाइड करेंगे यहाँ पे बाई द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड एंड असाइन इट बैक टू द वेरिएबल इन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, जो वैल्यू की जैसे एक्स डिवाइडेड बाय और इजिकल टू वाई है, तो मीन्स कि एक्स जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है आपका एक्स, उसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, बाय द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड जो वाई में है उसके साथ डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा दोबारा से इजिकल टू करके हमने असाइन कर दी उस वाई का जो आंसर आया वहाँ पर डिवाइड करने के बाद इजिकल टू एक्स को लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो ये मीनिंग है इनमें। नेक्स्ट है आपके पास मॉडुलस, इसमें परसेंटेज का साइन और इजिकल टू का जो दिया हुआ है लास्ट में देखिए, इसमें द रिमाइंडर विल बी स्टोर्ड बैक टू द लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर द इंटीजर डिवीजन इज कैरिड आउट बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल एंड द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास ऑपरेटर्स थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो आपके सिलेबस में हैं ये। तो नेक्स्ट आपके पास आता है कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज जो है वो कंपेयर की जाएंगी, कंपेरिजन है आपके पास, ये है आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, आर यूज टू कंपेयरिंग द टू वैल्यूज, दो वैल्यू आपके पास उसको कंपेयर करना है, जैसे फाइव इज़ ग्रेटर देन सेवन, ये फाइव इज़ सॉरी लेस देन सेवन, तो फाइव आपका सेवन से जो है वो क्या स्मॉलर वैल्यू है, सेवन इज़ द ग्रेटर देन है फाइव से, तो इस तरह से टू वैल्यू में हम कंपेयर कर रहे हैं। या टेन इज इक्वल टू टेन लिखा तो इसका मतलब कि टेन इज इक्वल टू टेन है वो इक्वल टू है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं हम, इसके यूज़ कहाँ पे करते हैं, इनका यूज़ जो है वो हमने कंपेयर करने के लिए, वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो दीज आर ऑफन स्पेसिफाइड एज द ट्रू एंड फॉल्स, अगर तो वो इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, अगर सही रिजल्ट देता है ट्रू है और फॉल्स है अकॉर्डिंग टू दैट वो कंपेयर करके आपको जो है वो रिजल्ट देगा इसमें। सिंस दे कैन टेक ओनली द टू वैल्यू पॉसिबल, द सिंटैक्स इज कैसे इसमें लिखते हैं, एक्सप्रेशन वन कंपेयर करेंगे उसको कंपेरिजन ऑपरेटर देन द एक्सप्रेशन टू, मीन्स कि जैसे फाइव है मेरे पास तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, तो एक्सप्रेशन वन हो गया आपके पास ये फाइव, और कंपेरिजन ऑपरेटर वो ग्रेटर देन का हो गया, एक्सप्रेशन टू में आपके पास थ्री हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले आपके पास आता है इक्वल टू का ऑपरेटर, यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू का ऑपरेटर है एंड नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये क्या लेस देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड स्ट्रिक्टली इक्वल टू, थ्री टाइम इक्वल टू इक्वल टू है तो इसमें स्ट्रिक्टली इक्वल है ये, एंड स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल में आपके पास ये साइन है। तो ये कुछ ऑपरेटर हैं जो कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर रेफर टू एज द बूलियन ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं आपके पास, जो बूलियन ऑपरेटर्स हैं उनको हम बोलते हैं। दीज ऑपरेटर एक्ट अपॉन द ऑपरेंट के ऊपर एक्ट करेंगे ये, दैट आर देम सेल्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन। आफ्टर टेस्टिंग द वैल्यू ऑफ द कंडीशन इट गिव द रिजल्ट। ठीक है, टेस्ट करने के बाद, कंडीशंस को चेक करने के बाद ये हमें क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं।
विच इज़ आइदर ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है आपकी वैल्यू जो है. तो वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास कौन से हैं, जैसे एम्परसेंड का साइन देखिए, ये डबल आपको दिया हुआ ऑपरेटर है, ये इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं. तो इस तरह से ये बार है आपके पास, वर्टिकल बार की तरह है, तो ये आपके पास लॉजिकल और है. और लास्ट थर्ड वन इज़ द लॉजिकल नॉट, ये इसका सिंबल है. तो ये मीनिंग है इनके, लॉजिकल एंड बोलेंगे तो डबल एम्परसेंड का साइन होगा, तो इस तरह से वर्टिकल बार जैसे साइन आपके पास टू टाइम इस तरह से पेयर में दिखाएंगे, तो ये लॉजिकल और का है और लॉजिकल नॉट होगा आपके पास ये, ठीक है. तो एंड ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ़ बोथ ऑल द कंडीशंस हैव द ट्रू वैल्यू, अदरवाइज गिव द रिजल्ट फॉल्स, ठीक है. तो इस तरह से ये जो है आपके पास जो है वो रिजल्ट देते हैं. अगर आपकी कंडीशन वन भी फॉल्स है, कंडीशन टू भी फॉल्स है, तो रिजल्ट आपके पास जो है वो क्या आएगा, जो है वो रिजल्ट भी आपके पास फॉल्स आता है. जैसे यहाँ पे देखिए, कंडीशन वन, कंडीशन टू, देन रिजल्ट. कंडीशन वन अगर फॉल्स है, कंडीशन टू भी फॉल्स है, तो रिजल्ट भी फॉल्स आएगा. कंडीशन वन फॉल्स है आपके पास, सेकंड वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो भी रिजल्ट फॉल्स रहेगा. अगर आपके पास जो है कंडीशन जो है वो थर्ड वन ट्रू है, थर्ड में देखिए, फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू है, सेकंड वन आपकी फॉल्स है, तो भी फॉल्स है. सिंपल मतलब कि आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कंडीशन वन एंड टू, बोथ द कंडीशन जो है आपके पास कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. एक भी कंडीशन उसमें से फॉल्स नहीं होनी चाहिए जो एंड के अंदर है, ठीक है. जो एंड ऑपरेटर है आपके पास, उसमें आपके पास क्या ध्यान में रखना है आपने, कि एंड ऑपरेटर के अंदर आपके पास दोनों जो कंडीशंस है वो कैसी होनी चाहिए, वो दोनों की दोनों आपके पास ट्रू होनी चाहिए, ओके. देन आपके पास और ऑपरेटर है. और का मतलब क्या है, एंड का मतलब, अब जैसे एंड है मतलब ये या ये, तो दोनों इसमें ट्रू होगी तभी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा. अगर एक भी इसमें फॉल्स होगी तो आपका रिजल्ट फॉल्स रहेगा. और ऑपरेटर के अंदर जो है वो अगर एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट आपका जो है वो ट्रू में ही आता है. मीन्स कि अगर कंडीशन वन फॉल्स है तो कंडीशन टू भी फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स रहेगा. लेकिन आउट ऑफ टू इफ वन कंडीशन इज द ट्रू, मीन्स कंडीशन वन इज़ फॉल्स एंड सेकंड वन इज़ द ट्रू, देन रिजल्ट इज़ आल्सो इन ट्रू फॉर्म, ओके. रिजल्ट भी आपका ट्रू ही होगा. तो मीन्स आउट ऑफ टू ओनली वन कंडीशन देर इज़ द नेसेसरी कंडीशन, ओनली वन कंडीशन इज़ टू बी ट्रू, ओके. तो अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू में, अदरवाइज वो फॉल्स में शो करेगा. दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स रहेगा, और तभी फॉल्स होगा, मतलब दोनों अगर फॉल्स रहेंगे, अदरवाइज जो है वो रिजल्ट को ट्रू शो करेगा. नॉट के अंदर क्या है, नॉट ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स. मीन्स नॉट ऑपरेटर वो आपका रिजल्ट कब ट्रू देगा, जब वो फॉल्स होगा, ठीक है. ऑपरेटर गिव्स द रिजल्ट ट्रू इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स एंड द फॉल्स इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, ओके. ये आपका कब देगा, अगर ट्री आपकी कंडीशन अब नॉट है, नॉट मीन्स नहीं, अगर नहीं वाला होगा, फॉल्स होगी कंडीशन, तभी रिजल्ट आपका ट्रू होगा. तो अगर फॉल्स कंडीशन है तभी रिजल्ट वो ट्रू देगा, अदरवाइज आपका जो ट्रू कंडीशंस होगी तो आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स शो करेगा. नेक्स्ट वन आपके पास है कंडीशनल एक्सप्रेशन और टर्नरी ऑपरेटर. तो ये क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन और टर्नरी ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर इज़ द ओनली टर्नरी ऑपरेटर अवेलेबल इन जावा स्क्रिप्ट विच ऑपरेट ऑन द थ्री ऑपरेंट्स. टर्नरी से याद रखेंगे, टर्नरी मीन्स टर्शरी से थ्री ऑपरेटर के ऊपर, ऑपरेंट्स के ऊपर जो अप्लाई होते हैं उसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं. कंडीशनल ऑपरेटर जो है, कंडीशन होगी यहाँ पे, इज़ यूज टू कैरी आउट कंडीशनल ऑपरेशंस. इट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. जो आगे हम इसमें इससे रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे इफ एल्स के, तो किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं कंडीशन, वहाँ आप देखेंगे. तो कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, कंडीशन देखिए यहाँ पे, एग्जांपल हमने ली है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, मीन्स कि ए की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास, ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे, बी से, ठीक है. और एक्स इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन 12, ठीक है. तो ये जो है वो इससे वैल्यू है वो ज़्यादा है इसकी. तो इस तरह से ये कंडीशन, अगर ए की वैल्यू सच में हम पुट करते हैं ग्रेटर देन बी से, तो रिजल्ट आपका कैसे है वो ट्रू शो करेगा इसमें. तो इस तरह से ये कंडीशंस हैं. फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने लिए, ये ए ग्रेटर देन बी इज़ ट्रू, देन ए बिकम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन वी बिकम द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन. मीन्स कि ए ग्रेटर देन बी का मतलब है कि अगर ए की वैल्यू सच में हम जो है वो हाईएस्ट डालते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी होगा, तो वैल्यू आपकी ए वाली वो उठाएगा और रिजल्ट ए के अकॉर्डिंगली देगा कि हाँ ये ट्रू है एक्सप्रेशन. अगर आपका
ए ग्रेटर देन बी में अगर आप वी जो है वो ग्रेटर हो जाता है और ए नहीं होता है कि वैल्यू आप कम डालते हैं, तो आपका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द बी आएगा कि बी जो है वो ग्रेटर है, तो वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी ये, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी में अगर आप 5 ग्रेटर देन 9 लिखते हैं तो वो ट्रू रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। ये मतलब है अगर आप जो है वो 5 जो है ए की जगह आप वैल्यू 5 डाल दो और ग्रेटर देन उसको कर दो आप 3 से, तो वो रिजल्ट आपका फॉल्स देगा, ठीक। तो ये मतलब है इसका कि अगर वो सच में ट्रू हम वैल्यू डालते हैं ग्रेटर देन ही होगी, ग्रेटर देन बी, तो रिजल्ट वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिजल्ट देगा आपका। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेटर। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या हैं आपके पास। स्ट्रिंग मीन्स जब हम डबल कोट के अंदर जो है वो स्टेटमेंट को लिखते हैं, किसी कैरेक्टर को लिख देते हैं, मतलब किसी वर्ड को लिख रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग ऑपरेटर है। स्ट्रिंग ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट आर यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स मीन्स कोट्स के अंदर, डबल कोट के अंदर आपने कोई स्टेटमेंट ही लिख दिया, जैसे इंडिया ग्रेट प्रोड्यूस, इंडिया ग्रेट जैसे है, या इंडिया इज़ ग्रेट लिख दिया। द स्ट्रिंग ऑपरेटर इज़ यूज इन जावा इज़ आपके पास जो है वो क्या है, प्लस के साइन से हम इसको यूज़ करेंगे, कनकैटिनेट करेंगे, तो ये है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ऑपरेटर हम बोलते हैं। दो स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करेगा, जोड़ के रखेगा, तो ये है आपके पास स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ऑपरेटर। द कनकैटिनेशन ऑपरेटर कनकैटिनेट द टू और मोर स्ट्रिंग वैल्यू टुगेदर एंड रिटर्न द अनदर स्ट्रिंग विच इज़ द यूनियन ऑफ द टू ऑपेरेंट स्ट्रिंग। द ऑपरेटर इज़ यूज टू ज्वाइन द टू स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंडिया है, ग्रेट प्रोड्यूस इंडिया, तो दो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, एक इंडिया है उसको आपने कंबाइन करना है, ग्रेट प्रोड्यूस इंडिया ग्रेट, तो इसके साथ, तो ये कनकैटिनेट करेगा दो स्ट्रिंग को, आपस में जोड़ेगा, तो अल्फ़ाबेटिकली कोई भी स्टेटमेंट आपके पास है उनको कनकैटिनेट करना, देन द स्ट्रिंग ऑपरेटर इज़ यूज, मीन्स स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ऑपरेटर, प्लस का साइन लगा के आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ऑपरेटर। द नेक्स्ट वन इज़ द बिट वाइज ऑपरेटर, ओके। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, बिट वाइज ऑपरेटर है ये। बिट वाइज ऑपरेटर क्या है आपके पास, बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म एन एक्सप्रेशन ऑन द बिट वाइज, बिट वाइज मीन्स 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो आर्गुमेंट्स होंगे वो किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई होगा, वो 0 1 की फॉर्म में होगा, रेदर देन द डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर में नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो 0 और 1 की बाइनरी फॉर्म में ही, मतलब वो उसको उठाएगा। जैसे आपके पास बिट वाइज एंड है, बिट वाइज ओर है, बिट वाइज जोर है, नॉट है, और साइन प्रोपेगेटिंग राइट शिफ्ट्स हैं, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इसमें भी बिट वाइज में, तो बस इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें बिट वाइज के अंदर आपके पास क्या होंगे, 0 और 1 की फॉर्म में वो वैल्यूज़ को देखेगा, ठीक है। तो ये है बिट वाइज एंड, रिटर्न 1 इफ कॉरस्पॉन्डिंग बिट और बोथ ओपेरेंड आर 1, अगर आप दोनों के दोनों ओपेरेंड आपके पास क्या है 1 शो करते हैं तो रिटर्न 1 ही वो करेगा। तो इस तरह से देखिए x इज इक्वल टू 5 एंड 1, 0 1 0 1, इसके बाइनरी फॉर्म अगर हम कन्वर्ट करें तो बाइनरी में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इस तरह से रिजल्ट आपका शो करेगा ये, तो रिटर्न करेगा 1 आपका अगर कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ बोथ ओपेरेंड आर 1, दोनों ओपेरेंड के जो है वो 1 ही अगर वैल्यू होगी तो ही रिजल्ट 1 देगा। बिट वाइज और के अंदर है 1 होना चाहिए, रिटर्न 1 इफ कॉरस्पॉन्डिंग बिट ऑफ आइदर ऑफ बोथ ओपेरेंड आर 1, सेम वैसे जैसे हमने पीछे पढ़ा, तो दोनों में से एक की वैल्यू का 1 होना ज़रूरी है तब वो 1 देगा। और बिट वाइज एक्स ओ आर में, जोर में, रिटर्न इफ द करस्पॉन्डिंग बिट ऑफ आइदर बट नॉट बोथ द ओपेरेंड आर 1, ठीक है, करस्पॉन्डिंग बिट ऑफ आइदर, ठीक है, बट नॉट बोथ ओपेरेंड आर 1, दोनों नहीं होनी चाहिए इसमें, एक भी चलेगा तब भी होगा वो। बिट वाइज नॉट लेफ्ट शिफ्ट, इन्वर्ट द बिट्स ऑफ इट्स ओपेरेंड शिफ्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बिट टू द लेफ्ट साइड एंड शिफ्टिंग इन 0 फ्रॉम द राइट साइड। तो इस तरह से ये आपका बिट वाइज नॉट लेफ्ट शिफ्ट है, एंड साइन प्रोपिगेटिंग राइट शिफ्ट है, शिफ्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बिट्स टू द राइट साइड पे शिफ्ट करेगा इसको, डिस्कार्डिंग बिट शिफ्ट ऑफ, तो ये है आपका साइन प्रोपिगेटिंग राइट शिफ्ट। देन लास्ट वन आपके पास है स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर में आपके पास आ जाते हैं जैसे डिलीट ऑपरेटर है, न्यू ऑपरेटर है, कोमा ऑपरेटर्स हैं, ये सारे स्पेसिफिक से ऑपरेटर हैं, स्पेशल ऑपरेटर में आते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो डिलीट आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, वो डिलीट ऑपरेटर हो गया आपका। डिलीट ऑपरेटर डिलीट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे, एरे क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सिमिलर थिंग्स हैं आपके पास, उनका जो ग्रुप बनाया है उसको एरे बोलते हैं। ऑपरेटर कैन ऑल्सो भी डिलीट द वेरिएबल विच आर नॉट डिक्लेयर विद इन द बैश स्टेटमेंट, विद द बैश स्टेटमेंट के साथ आपने नहीं डिक्लेयर किया है तो भी उसको डिलीट कर सकते हैं। द सिंटेक्स इज डिलीट ऑब्जेक्ट का नाम, डिलीट वर्ड के जो है ये रिजर्व वर्ड डिलीट लिखना है आपने, आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को ये डिलीट कर देगा। न्यू ऑपरेटर जो है वो आपके पास क्या है, न्यू ऑपरेटर इज यूज टू क्रिएट द
instance of a user defined object type or one of the built in object type which has the constructor function. The syntax says new operator के लिए कैसे लिखना है, where object का नाम लिखेंगे, variable मतलब where, और object का नाम लिखेंगे, आगे new object की type देंगे, उसमें arguments डालेंगे, parameters आप enter करते हैं, parameter first, second, third, जो भी n तक आप डाल सकते हैं इसमें, तो ये new operators हैं. और कोमा ऑपरेटर है, कोमा एज इट इज़ दो एक्सप्रेशन के बीच में कोमा हम यूटिलाइज करते हैं. कोमा ऑपरेटर इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द टू एक्सप्रेशन सिक्वेंशली. ठीक है, दो एक्सप्रेशन को आपने जो है वो एग्जीक्यूट करना है तो दोनों के बीच में आप कोमा जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, उसको हम करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो.